हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले आरआरबी जेई, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रेलवे की जो जेई की वैकेंसी होती है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या अन्य ब्रांचेज के हों, उसकी वैकेंसी है जो कि कब आएगी। तो आप लोग कुछ दिन तो कुछ लोग जान भी रहे होंगे कि कब ये वैकेंसी है जो कि आएगी। अभी आई नहीं है, लेकिन जो रेलवे की एक लेटर भी वायरल हुई है उसमें ये है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर में 7,346 पद, ये लेवल 6 की पद होती है और ये 35,400 इसकी बेसिक होती है। तो ये इसमें सारे रहेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, कंप्यूटर जो भी है। उसके बाद दिया हुआ है कितने पद रहेंगे, मेट्रो लॉजिकल जो सुपरवाइज़र है या रिसर्चर है उसके 12 हैं, डिपोर्ट मटेरियल DMS जिसको कहा जाता है 398 हैं, केमिकल एंड मेटरोलॉजिकल असिस्टेंट का 150 है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्चर का 5 है, इसका लेवल 7 का पोस्ट है। टोटल 7,911 पदों की है जो कि वैकेंसी है जो कि आ रही है। और ये कब तक आएगी, क्योंकि लेटर तो ज़रूर वायरल हुआ, तो ये जुलाई और अगस्त में है जो कि आपकी ये वैकेंसी है जो कि आ जाएगा। अब आगे जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या है जो कि तैयारी किया जाए और किस तरह से वैकेंसी जो कि आ सकती है, कितनी की परीक्षा होती है और कैसे तैयारी करेगी जिससे कि सिलेक्शन हो सके। पहले तो एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि जुलाई अगस्त में अगर आपको वैकेंसी आ रही है तो कब तक परीक्षा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप है जो कि 3 महीने का समय दे सकते हैं, अक्टूबर या नवम्बर माह को आप मानकर है जो कि, क्योंकि फॉर्म भराएगी तो कम से कम 1 महीना ज़रूर समय लगेगा। तो अक्टूबर या नवम्बर मान के जो कि परीक्षा की तैयारी करें। और इसमें जो है आपको एज जो है आपको मिनिमम है जो कि 18 ईयर्स रहता है और मैक्सिमम है जो कि 23 रहे, और ये जनरली जो रहेगा उम्मीद है कि आपको 1/1/2024 से ही है जो कि ये रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें जूनियर इंजीनियर केमिकल इंजीनियर के लिए जो कि ये आपको कम से कम डिप्लोमा है जो कि आपको इस 3 ईयर्स डिप्लोमा जो कि ज़रूरी है जो भी ब्रांच में जो वैकेंसी आएगी। BTech भी है जो कि रिलेवेंट जिसमें है वो कर सकते हैं। फाइनल डिग्री अप्लाई एलिजिबल जो है, डिप्लोमा आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब पास होना चाहिए, इसलिए कि अपेयरिंग में है तो ये फॉर्म है जो कि आप रेलवे की भर सकते हैं। और इसमें क्योंकि तो इसी के थ्रू है जो कि सबसे पहले जेई सिविल में जो कि हमारी सिलेक्शन हुई थी, पहली जो जॉब थी, तो इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा। ये लेटर है जो कि आप देख सकते हैं, यही लेटर है जो कि वायरल हुई थी और उसमें जो कि लेवल 7 भी लिखा हुआ है आपको, मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र का और केमिकल सुपरवाइज़र का पद है वो, और ये 13/6 को है जो कि वायरल हुई थी। उसके बाद आते हैं इसमें परीक्षाएं कौन कौन सी होती है। तो आपको पहले CVT 1 होती है, तो उसको पास करने का पर आपको CVT 2, CVT 1 में जो कि क्या क्या चीज़ रहता है, आपको मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, और सब है जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और 1/3 है जो कि आपको निगेटिव है। और इसमें कौन कौन कितने नंबर के रहेंगे, तो आपको 30 मैथमेटिक्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेंगे 25, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30, मतलब GK का यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। आपकी मैथ और साइंस रीजनिंग ये सब अच्छी है तो आप है जो कि सिलेक्शन है जो कि पा सकते हैं। और इसमें जो है आपको पहले CVT 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं जो भी जितनी सीटें हैं उसके अनुसार, तो उसके बाद जो कि आपको CVT 2 एग्ज़ाम है जो कि होगा, और ये जो है आपको CVT 2 एग्ज़ाम उसी तरह होगी, देखो 20 मिनट होगी, 1/3 निगेटिव रहेगा। यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 रहेगा, कंप्यूटर के 10 रहेगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस के 10 रहेगा, और इन्वायरमेंट के जो कि आपको 10 रहेगा, टेक्निकल जो है आपको 100 रहेगा, मतलब आपको जो कि आपको 150 है जो कि क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट में। और इसमें जो आपको 100 क्वेश्चन है जो कि जो भी आपका ब्रांच है, जैसे जैसे सिविल है तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर में ये सब में सिविल जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो सब ब्रांच के मिक्स रहते हैं। तो आपको ये यहाँ भी है जो कि आपको अगर आप जो CVT 2 में मेरिट जो बनेगी तो उसके बाद आपके सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी,
और इसका पेमेंट जो है आपको बोला था लेवल 6 का है। हालांकि बिहार में अगर आप आते हैं जेई की फॉर्म भरते तो लेवल 7 है और यहाँ 44,900 है। तो जेई की जो ट्रेनिंग्स जो होती है वो क्या होती है, वो 1 साल की होती है रेलवे की, और उसमें क्या क्या दिया जाता है, तो सिर्फ आपको इसमें बेसिक पे मिलेगा और डीए मिलेगा बस। 46,374 रुपया है जो कि अभी जो है वो हालांकि 31% नहीं है, अभी बढ़ गई है, और ये जो है आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अभी 50% है और आगे बढ़ेगी भी। तो लगभग जो कि 52,000 या 53,000 है जो कि आपको ट्रेनिंग मिली, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 3-3 महीने की है जो कि जेई की ट्रेनिंग होती है। उसमें जो कि पहले 3 महीना में या तो आपको फील्ड में रखा जाए या ट्रेनिंग सेंटर होती है, हर रेलवे बोर्ड की अलग अलग होती है, हर सारे रेलवे बोर्ड की नहीं, कई जगह कंबाइंड भी है, जैसे कुछ जगह कानपुर हो गया आपको NR नॉर्दर्न रेलवे या इलाहाबाद के लिए, उसी तरह भूली धनबाद हो गया आपको NCR के लिए या ईस्टर्न रेलवे के लिए जो है ये ECR और ER ये सब जो है वहाँ ट्रेनिंग होता है, और भी जो साउथ के जो रेलवे हैं वहाँ अलग ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पर है जो कि आपको 3-3 महीने की 2 बार है जो कि आपको ट्रेनिंग लगातार नहीं होती, पहले या तो फील्ड हो गई उसके बाद हो जाएगी पढ़ाई वाली ट्रेनिंग, तो 6 महीने की है जो कि एकेडमिक जो पढ़ाई वाली होगी और 6 महीने फील्ड। उसमें क्या है कि अगर आप और पास करते हैं जो भी क्राइटेरिया 50% या जो भी है, तभी ये जो कि अगर आप एक बार में फेल कर जाते हैं तो निश्चित रूप से है जो कि आपको एक बार और मौका दिया, अगर दूसरी बार भी फेल कर जाते हैं पूरी ट्रेनिंग्स में तो फिर आपको अपने पैसे से पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद भी फेल कर जाते हैं तो आपको सर्विस से निकाल लिया, मतलब ट्रेनिंग में जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक है जो कि आपकी नौकरी कन्फर्म नहीं मानी जाएगी। और ये दिक्कत जनरली कहाँ होती है, साउथ में होती है, क्योंकि अंग्रेजी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर है जो कि जो हिंदी मूल भाषी वहाँ पर दिक्कतें आती है। हालांकि अब तो गूगल्स आ गए हैं तो लोग तैयारी कर लेते हैं, पहले लोग बहुत सारे लोग फेल कर जाते थे। तो ये है जो कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ जो मेरिट या प्रमोशन जो होती है वो ट्रेनिंग्स पर होती है, जो आप रैंकिंग लाते हैं रेलवे में उससे कोई मतलब नहीं, आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स में जो रैंकिंग रहेगी जो आपने पास नंबर लाएंगे उसके आधार पर है जो कि प्रमोशन होती है। तो ये मैंने है जो कि जेई के बारे में बताया कि वहाँ फिर जेई है, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर में प्रमोशन होता है, उसके बाद भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा भी होती है, कम से कम 5 साल अगर रहेंगे तो आप AN भी बन सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद है वो लेवल 9 का है 5400, और SSC जो है लेवल 7 का है, उसके बाद भी और भी होते हैं AN डिविजनल इंजीनियर, और उसके बाद है जो कि आपको और जैसे सिविल में जनरली है जो कि 4 जगह या तो कंस्ट्रक्शन होती है या आपको मेंटेनेंस की होती है, ब्रिज की होती है, ड्राइंग की होती है, तो ये सब है जो कि सेक्शन आपको मिलेंगे, अलग अलग रहते हैं, जिसे वहाँ पर भी रेलवे में आपको ट्रैक मेंटेनर्स भी हैं PWI जिसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका जेई का वैकेंसी है। उसके बाद आते हैं जो खबरें कल, क्योंकि कल ही है जो कि आपकी परीक्षा के अगले दिन ही है जो कि UGC नेट रद्द, और ये परीक्षा 18 जून को हुई थी, और ये है जो कि नए सिरे से जो कि UGC नेट परीक्षा जो कि नए सिरे जल्द आयोजित की जाएगी, 18 जून को 2 चरणों में हुआ था, और इसमें जो है 8.80 लाख लोगों ने परीक्षार्थी दिया था, और ये जो है ये भी है जो कि ये भी नीट भी लटक गई है, और ये भी है जो कि ये तो रुकी गई है। तो शिक्षक धन्यवाद।